नमस्कार विद्यार्थियों, काव्यांग परिचय के अंतर्गत हम अलंकारों पर अध्ययन कर रहे थे। अलंकारों को जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया, उनको उदाहरण सहित समझा। इसी क्रम में जो हमारे अगला अलंकार है वो है प्रतीप। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, जहाँ लोक प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि उपमेय के रहते हुए उसे व्यर्थ बता दिया जाए। वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। यह अलंकार उपमा अलंकार के विपरीत है, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो श्रेष्ठ तो उसमें उपमान ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्वाभाविक उपमेय है उसको उपमान और उपमान को उपमेय बना देते हैं, तब वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। हम इसे उदाहरण से समझें कि जैसे मुख की तुलना, किसी नारी का सुंदर मुख है उसकी तुलना हम अगर कमल से कर रहे हैं तो उपमा अलंकार हो गया, और अगर हम कमल की तुलना किसी सुंदर नारी के मुख से कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। श्रेष्ठ उपमान को अपेक्षाकृत हीन उपमेय से तिरस्कृत किया जाता है। मुख के सदृश चंद्र शोभित है, कमल नेत्र सम लगता है। यहाँ मुख उपमेय होता और चंद्र उपमान। इन पंक्तियों में चंद्र के सौंदर्य की समता मुख से की गई है जो चंद्र के सामने हीन है। इसी प्रकार कमलों को उपमेय बनाकर नेत्रों से उपमा की गई है, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला उदाहरण, घूंघट मुख क्यों मूंदती नवला नारी, चांद सरक में सोहत याही अनुहारी। यहाँ उपमान चंद्रमा की तुलना उपमेय मुख से की गई है और उपमान का अपकर्ष या उसकी व्यर्थता सिद्ध की गई है। तो प्रतीप अलंकार में हम क्या समझे कि जहाँ उपमान को हीन बताया जाता है और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ ही उल्टा होता है। सामान्यतः क्या होता है कि उपमान की प्रसिद्धि के कारण ही उसे किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति की तुलना कर तुलनीय का उत्कर्ष दिखाया जाता है, परंतु यदि उसी की तुलना तुलनीय से कर दी जाए, यानी उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए और उसके रहते उसे उपमान को, उसे में मतलब उपमान को व्यर्थ बता दिया जाए तो निश्चय ही यह मामला उल्टा पड़ जाता है और फिर इसीलिए वहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाता है। प्रतीप अलंकार के 5 भेद या 5 रूप हैं। प्रथम प्रतीप, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए। कौन जाने जाएगा यूं ही दिन दूसरा, आए तुझसी यह संध्या धूली दूसरा। द्वितीय प्रतीप, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय रूप में कल्पित करके वर्णनीय उपमेय का अनादर किया जाए। शिव प्रताप तब तरनी सम अरि पानीय हरमूल, गर्व करत के ही हेत है बड़वा नल तो तूल। तृतीय प्रतीप, जहाँ उपमेय की उपमान में कल्पना करके प्रसिद्ध उपमान का निरादर कर दिया जाता है। जिसकी आँखों पर निज आँखें रख विशालता नापी है, विजय गर्भ से पुलकित होकर मन ही मन फिर कांपी है। चतुर्थ प्रतीप वहां होता है जहां उपमान को उपमेय की समता के अयोग्य ही ठहरा दिया जाए। जैसे बहुरी विचार कीन्ह मनमाही, सिय बदन सम हिंकर नाही। और पंचम प्रतीप, जहां उपमेय के रहते हुए उपमान की स्थिति को व्यर्थ ही बता दिया जाए। राव भाव सिंह जू के दान की बड़ाई देखी, कहां काम धेनु है कछु न सुरतरु है।
इस प्रकार हमने जाना कि प्रतीक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय के रहते हुए उपमान को व्यर्थ बना दिया जाए। अब हमारा अगला अलंकार है अपोनति। अपोनति अलंकार प्रधानतया प्रतिषेध पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का होना बताया जाए, या फिर हम ये कहें कि जहां किसी वस्तु को छिपाकर फिर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना कर दी जाए, यानी एक तथ्य को छुपा करके और दूसरा कथन कह दिया जाए, तो वहां अपोनति अलंकार होता है। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता की नारी थी। इसमें झांसी की रानी के मनुजत्व का तो निषेध किया और उसके देवत्व की स्थापना कर दी। अतः यहाँ पर अपोनति अलंकार है। या हम ये कहें कि जहां कहीं किसी वस्तु अथवा बात को छिपाया जाए और फिर उसके स्थान पर कोई अन्य बात कह दी जाए, वहां पर भी अपोनति अलंकार होता है। उदाहरण, बंधु ने होए मोर यह काला। उपरोक्त पंक्ति में सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली की चर्चा करते समय सच्ची बात बंधुत्व को छिपा लिया और उसके स्थान पर क्या कहा, मोर यह काला की स्थापना की। अतः यहाँ पर अपोनति अलंकार है। अगला अलंकार है दीपक अलंकार। जहां प्रस्तुत का मतलब उपमेय और अप्रस्तुत अर्थात उपमान। तो जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत को, या ये कहें कि उपमेय और उपमान को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए, वहां दीपक अलंकार होता है। जैसे चंचल विसि उद्बस रहे करत प्रात बसीराज, अरविंद में इंद्रा सुंदरी नैना लाज। यहाँ कमलों में लक्ष्मी का निवास और सुंदरी के नेत्रों में लज्जा का निवास उभयनिष्ठ है, दोनों का एक ही धर्म है। अतः यह दीपक अलंकार का उदाहरण है। डूंगर केरा बाहला ओछा केरा नेह, बहता बहे उतावला छिटक दिखावे छे। यह पहाड़ी नाले और ओछों के प्रेम को एक ही धर्म का बताया है। दोनों ही उतावले बहते हैं तथा दोनों ही शीघ्र ही अपना छेह द्वारा दिखा देते हैं, अपनी असलियत जल्दी दिखा देते हैं वो। अतः यहाँ भी दीपक अलंकार है। अगला अलंकार आता है उल्लेख। जब एक वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, तब वहां उल्लेख अलंकार होता है। यह दो प्रकार का होता है। प्रथम उल्लेख, जहां पर एक ही पात्र के द्वारा किसी विषय का अनेक रूपों में वर्णन हो। जैसे हम सागर के धवल हांस हैं, जल के धूम गगन की धूल, अनिल फेल उषा के पल्लव, वारी वसन वसुधा के मूल। और द्वितीय उल्लेख, जहां पर एक विषय या एक वस्तु का अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से वर्णन करें। जैसे जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो राम का अनेक लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन यहाँ किया गया है। अगला आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वहां होता है जहां जड़ पदार्थों को सजीवों की तरह कार्य करते दिखाया जाता है। जैसे मैं कहूं कि आज पंखा बहुत डर रहा है, या तलवार कह रही है कि मुझे काम में लो। इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम ये कहें कि जहाँ चढ़
पदार्थ या पशु पक्षी में मानव के गुणों का आरोप कर दिया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से हम इसे समझेंगे, पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। यहाँ पवन को झूला देते हुए केकी और कीर को बहराते हुए और कोयल को मानव की सी क्रियाएं करते बतलाया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला हमारा अलंकार आता है निदर्शना। निदर्शना का स्वरूप भी दृष्टांत जैसा ही है, जहां बिंब प्रतिबिंब भाव से कोई बात समझाई जाती है वहां निदर्शना होता है, अथवा जब दो कार्यों या दो वस्तुओं को उनमें समानता के आधार पर एक ही बता दिया जाता है। इसमें दो कार्यों अथवा दो वस्तुओं में एकत्व की स्थापना की जाती है। अति खीन मृणाल के तारहु ते तेहि ऊपर पांव दे आवनो है, ये प्रेम को पंथ कराल वहां तलवार की धार पे धावनो है। इसमें तलवार की धार पर चलने और प्रेम के पंथ पर चलने को एक समान बताया गया है, दोनों में एकत्व स्थापित कर दिया। तलवार की धार पे चलना जैसे बहुत कठिन है, ऐसे प्रेम के रास्ते पर चलना भी बहुत कठिन है। सुजनों के वचनों में रहता अमृत का मीठापन है, तो सुजन अर्थात जो स्वजन है, अच्छे लोग जो हैं, सज्जन जो लोग हैं, उनके वचनों को और अमृत को मीठेपन के समान बताया गया है। तो यहाँ दो वस्तुओं सुजनों के वचनों और अमृत में एकता स्थापित की गई, अतः यहाँ पर निदर्शना अलंकार माना जाएगा। अगला हमारा अलंकार आता है समासोक्ति अलंकार, जहां प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ भी निकले वहां समासोक्ति अलंकार होता है। यह हम ये कहें कि जहां कार्य लिंग विशेषण इनकी समानता के कारण प्रस्तुत से अप्रस्तुत का ज्ञान करा दिया जाए वहां भी समासोक्ति अलंकार होता है। सो दिल्ली अस निबहुर देसु कोई ने बहुरा कहे संदेशु जो गवनी सो तहां कर होई जो आवे किछु जान न सोई। यहाँ दिल्ली के प्रस्तुत अर्थ के साथ परलोक का अप्रस्तुत अर्थ भी है, अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार हमारा आता है ब्याज स्तुति अलंकार, जहां पर स्तुति के वाक्यों के माध्यम से निंदा और निंदा के माध्यम से स्तुति की जाए वहां ब्याज स्तुति है। स्तुति से निंदा, धन्य कृपण तो सो यहां पर उपकारी है ने परहित धन संचय करे सब सुख तजी दिन रहे। यहाँ दिखने में कृपण की प्रशंसा की गई है, किंतु यह कह करके कि वे रात दिन अपने सारे सुखों को छोड़कर पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी निंदा की गई। और निंदा से अगर स्तुति कर रहे हैं तो मन क्रम वचनों से अर्चना जो तुम्हारी निशि दिन करते हैं शाम तुहा उन्हीं की। जन्म जन्म की है देह को छीन लेता अई नटवर तेरे ढंग ये है ने अच्छे। कृष्ण के अच्छे ढंग नहीं है, वे भक्तों की देह को छीन लेता है। यह निंदा परक्सा दिखाई देता है, किंतु इसका तात्पर्य है कि वह अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति देता है। तो जब बाहरी रूप पे देखेंगे तो क्या लगेगा कि कृष्ण जी की निंदा ही हो रही है कि भाई वो तो भक्तों को जो है इस संसार से उठा लेते हैं, उनकी देह को छीन लेते हैं, उन्हें मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं। लेकिन जब हम इसका अर्थ करेंगे, जब हम इसकी वास्तविकता में जाएंगे, जब हम अर्थ की गहराई में जाएंगे, तब हम यह जानेंगे कि वो देह छीनने से तात्पर्य है अपने भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति देना, उनको जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दे देना। तो यहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा छिपी हुई है, इसीलिए यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा अलंकार बिंदु समाप्त हुआ। जो आपके पाठ्यक्रम में जो अलंकार लगाए गए थे उन्हीं सबको हमने जाना, उनका अध्ययन किया, उन्हें उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया।
अब बाकी जो हमारे जो काव्य खंड है उसमें जो जिन भी पंक्तियों का हम अध्ययन करेंगे उनमें आप इन अलंकारों को खोजने का प्रयास करें तो इससे आपका अच्छा अभ्यास होगा। धन्यवाद।